नमस्कार बंधुगण, आपण समस्त को स्वागत जनाउछि आमर ही यूट्यूब चैनल रे। बंधुगण, एही मासरु आरंभ रु हेबा को जाउछि सबुठरु बड़ राजयोग, जेउथि पई माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेबा को जाउछन्ति एही पांचोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे। तेबे चालंतु संपूर्ण भाव में भिडियोटी को देखने आपण जापरेंगे आपणकर राशि अच्छी कि नहीं। बंधुगण, यही दुनिया रे थिबा सबु लोक निजर आसंता समय पई बहुत चिंतित रही थांती, सेथि पई समस्ते निजर भविष्यत विषय रे जानिबा को चाहि थांती। व्यक्तिर जीवन रे ग्रह चलनर बहुत महत्व रही थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रहर स्थिति परिवर्तन मनुष्य जीवन रे प्रभाव पकाई थाए। ग्रहर स्थिति परिवर्तन पई मनुष्य जीवन रे उभय खुशी और दुख आसी थाए। ज्योतिष विद्या अनुसार एही मास आरंभ रु सबुठार बड़ राजयोग हेबाकु जाउछि, जहाँ फल माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रु पांचोटी राशि व्यक्ति मानक सफलता मिले। तेबे चालंतु जानिबा से ही पांचोटी राशि कौन कौन। प्रथम हेउछि मेष राशि। एही राजयोग पई मेष राशि व्यक्ति मानक उपरे माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि रहिबो, जहाँ फल आपण निज कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करिबे। व्यापार रे आपण को प्रचुर धन लाभ हेबो। समाज रे आपण को मान सम्मान वृद्धि पाइबो। आपण को अटकी रही समस्त कार्य सहजरे पूरण हेबो। एहा द्वारा आपण को मन प्रसन्न रहिबो। आपण को आत्मविश्वास वृद्धि हेबो। परिवार रे पितामाता पूरा सहायता आपण को मिलिबो। द्वितीय रे हेउची सिंह राशि। सिंह राशि रे व्यक्ति विशेष गण एही मास रे हेउतिबा राजयोग पई आपण को उपरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रहिबो, जेउथि पई आपणकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। आपणकर आसुथिबा समय सुखमय रहिबो। आपणकु समाज रे मान सम्मान मिलिबो। आपण द्वारा होइथिबा कार्य रे आपणकु सफलता मिलिबो। हेले आपण निज क्रोध उपरे टिके कंट्रोल रखंतु। आपणको आगामी समय खुशी रे भरपूर होइजिबो। आपण हठात कोनोसी यात्रा रे जाई परंती। एही यात्रा कारण रु आपण अनेक लाभवान हेबे। आपण सही समय रे जदि कोइउठी निवेश करंती तेबे आपणको प्रचुर धन लाभ हेबार मध्ये जोग रहिछि। आपणकर आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीजिबो। तृतीय रे होउछि कुंभ राशि। कुंभ राशि रे व्यक्ति विशेष गण आपण को उपरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रहिबाकु जाउछि। एही कारण रु आपणकर जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या थिला सबु किछि दूर होइजिबो। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे मन देबे। व्यवसायी मानंकु निज व्यवसाय क्षेत्र रे अधिक लाभ ही लाभ मिलिबो। आपणकु समाज रे आदर सम्मान मिलिबो। आपणकु सब क्षेत्र रे आपण विजयी हेबे। सुस्थ ओ निरामय आपण रहिबे। आपण किछि घरे शुभ कार्य करि पारंती। चतुर्थ रे हेउछि कर्कट राशि। कर्कट राशि रे व्यक्ति विशेष गण एही मास रे हेबा कुथिबा राजयोग जोगु माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि आपण को उपरे पड़िबा को जाउछि, जेउथि पई आपण को आश्चर्य प्राप्ति हेबार संभावना रहिछि। संग्रामी मनोवृत्ति आपण को मन रे आसि पारे। विभिन्न स्तर रु आपण को धन लाभ रे सूचना रहिछि। माली मकदमा रे आपण कर ही विजयी हेबो। आपण कर शरीर सुस्थ रहिबो एवं आपण मध्य कर्मचंचल रहिबे। आपण उच्च आसन रे आसीन हेबे। आपणकर मन धर्म कार्य रे लिप्त रहिबो। आपण यशस्वी हेबे। आपण लोकप्रियता अर्जन करि पारंती। आपण सरकारी स्तर रे सम्मानित हेबा सहित राजकोष अर्थ प्राप्ति रे मध्ये सूचना मिलुछि। शेषरे बा पंचम रे हेउछि बिछा राशि। बिछा राशि रे व्यक्ति विशेष गण एही राजयोग जोगु माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि आपण को उपरे वर्षा हेबा को जाउछि, जेउथि पई
ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଦିଗରେ ଆଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବେ, ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭପ୍ରଦ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାହ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ସୀମିତ ଟିକେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣ କୌଶଳୀ ଓ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ରହିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ଜୟ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ।